हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल ओनली फुटबॉल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं अरविंद राणा आप लोगों के समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ। जो नया मैच है, अपकमिंग चैंपियंस लीग का अपकमिंग मैच एटलेटिको मैड्रिड मेट्रोपोलिटियानो, जिसका कोच डियागो सिमियोने वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड रेड डेविल CR7 भूलिएगा मत, मैच होने वाला है आज रात को आपके 1 बजे के आसपास में मैच स्टार्ट होगा। एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। एटलेटिको मैड्रिड में है लुइस सुआरेज, जो ला लीगा में प्रतिद्वंदी था रियल मैड्रिड कोर्ट से, जो खेलते थे CR7, उसी का प्रतिद्वंदी राइवल लुइस सुआरेज वर्सेस क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मिस्टर चैंपियंस लीग। देखते हैं क्या होगा आज का मैच, तो देखना एकदम बनता ही है, कौन नहीं देखना चाहता है। डियागो सिमियोने वर्सेस क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पहली बार सुने हैं एक कोच वर्सेस एक प्लेयर मत। और आप लोग को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो कल चैंपियंस लीग में 2 बड़े मैच हुआ था, एक था जुवेंटस वर्सेस विलारियल, जिसमें दोनों को बराबरी में संतुष्ट होना पड़ा। फर्स्ट गोल दागा था जुवेंटस के ओर से भलोवी ने, जो स्ट्राइकर है जुवेंटस का, नया स्ट्राइकर जिसको 100 मिलियन में जुवेंटस ने खरीदा था। इतना ओल्ड लेडी तो नाम जाना जाता है, पर यंग प्लेयर खरीदा है अभी, जिसने CR7 का नंबर 7 जर्सी पहना है, तो उसी ने फर्स्ट गोल दागा है। उसका चैंपियंस लीग का फर्स्ट गोल है। भलहोई बिक स्टार्ट हो गया है, वो भी गोल मारा था 1 मिनट के अंदर ही। अगले राउंड देखने को में मजा आएगा, क्योंकि अब विलारियल को और से जो गोल मारा था 66 मिनट में, बराबरी गोल था, तो बराबरी में गेम खत्म हुआ है, कोई रिजल्ट नहीं आया है। अब अगले राउंड में जो गोल दागेगा, जिस टीम ने गोल ज्यादा दागेगा, वही एकदम अगले राउंड में जाना ही है। तो वही दूसरा मैच हुआ था इंग्लिश क्लब चेल्सी लास्ट चैंपियंस लीग विजेता वर्सेस लिली। तो चेल्सी को 2 गोल से जीत मिला है, लिल्ली की ओर से खाता नहीं खुला है, 0 में एकदम खत्म। मैच तो जबरदस्त था, दोनों ही मैच जबरदस्त रहा है। तो सिर्फ एक चेल्सी को जीत मिली है, बाकी दो टीम विलारियल और जुवेंटस को संतुष्ट होना पड़ा एक एक बराबरी में, तो लिल्ली को हार मिली है। तो वही था पिछले मैच का हाईलाइट। तो अब आगे बढ़ते हैं, मेन आज का थीम तो वही है, एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड और पोर्चुगेज क्लब बेनफिका वर्सेस नेदरलैंड के क्लब है आयाक्स। आयाक्स इस बार का दावेदारी में उसका भी गिनती हो रहा है, बेनफिका जो बार्सिलोना को हरा के आया है। तो देखते हैं जो मैच होने वाला है, दोनों मैच 1 बजे के आसपास में, ठीक है। तो फर्स्ट मैच जो बात करते हैं आयाक्स की, आयाक्स का जीत प्रतिशत अभी दिखा रहा है दोनों में, अगर बिटवीन बोथ टीम कंपेयर बिटवीन बोथ टीम्स की 82% जीतने का चांस है आयाक्स, और 15% बेनफिका को, और 3% ड्रॉ होने का संभावना। तो इन दोनों टीमों का भिड़ंत हुआ था, आपका बता दूं कि दोनों के बीच में 4 मैच हुआ है, जो 4 मैच में एक मैच 2009 में हुआ था, जिसमें आयाक्स 2 गोल मारा है और बेनफिका 3 गोल मारा है, और वही 2014 में फिर दूसरा बार हुआ था, तो बेनफिका को हार मिला था, आयाक्स ने 1 गोल मार के गेम जीता था। वही फिर 2018 में इसका देखते हैं, तो आयाक्स ने 1 गोल मारा था और बेनफिका 0-1 0 से आयाक्स जीता था। तो बेनफिका फिर 2018 में बेनफिका वर्सेस आयाक्स का मैच हुआ था, दोनों मैच एक एक के बराबरी में खत्म हुआ था। मतलब देखने को तो हमको मिला, ये मिल रहा है कि जो स्टैटिस्टिक है, तो एकदम 2 बार बेनफिका जीता है, हारा है, और 2 बार आयाक्स जीता है। तो मतलब मैच भी ऐसे नहीं कह सकते हैं कि आयाक्स जीतेगा, मैच कंपटीशन होगा। तो वही इन लोग का जो टीम लाइन लाइन अप है,
वो भी हम आपको बता ही देते हैं, जो आयक्स की ओर से है टैडिक पासवीर ब्लाइंड वर्गुइसिस और हैलर स्ट्राइकर, अभी सबसे ज़्यादा चैंपियंस लीग में गोल दागने वाला अभी इसी में नंबर वन में हैलर, याद रखिएगा नाम। अल्वारेज मार्टिनेज मजरोई इस्करस ग्रावरेज एंथोनी, तो वही आपको बता देते हैं कि बेनफिका की ओर से जो ये प्रोबेबली लाइन ऑफ्स है, प्रेडिक्शन है बस, अभी तो तय नहीं हुआ है, जो लाइन ऑफ्स होगा तय आपके बिफोर मैच, बिफोर स्टार्ट मैच वन आवर के पहले ही ये होगा। भॉटेंगन ऑटामेंडी अलेक्स गेमरलाल्डो ग्रिमाल्डो भालो डिमोस लाजारो मारियो रुई राफा सिल्वा विल्गी एवर्टन गोनकालो रामोस अनुनेस। तो देखना मत भूलिएगा, आज रात मैच 1 बजे से स्टार्ट होगा, जो सोया वो सब कुछ खोया, चैंपियंस लीग है भाई, देखना तो बनता ही है। तो वही दूसरा मैच है एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, इसका भी वही है कि अभी तक दोनों के बीच ज़्यादा मैच नहीं हुआ है, एटलेटिको और मैनचेस्टर यूनाइटेड का तो अभी तक आमना सामना नहीं हुआ है, फिर भी मैनचेस्टर यूनाइटेड को जीतने का चांस 77% है और 20% एटलेटिको मैड्रिड का है, ये सब ड्रॉ होने का चांस 3% है। ये सब अपना फैन लोग है, जो फैन बेस है जितना भी, जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड का फैन और एटलेटिको मैड्रिड का फैन, उन्हीं लोग वोट किए हैं कि कौन जीतेगा, अब जिसका ज़्यादा फैन है उसी के हिसाब से हमको लग रहा है कि वही वोट मिल रहा है, पर गेम गेम होता है, जब तक गेम शुरू नहीं होता है तो कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा ना, फुटबॉल अनप्रिडिक्ट है, लास्ट तक देखना बनता है। मैच लेट हुआ था, क्या हुआ, कल भी हम देखे थे, आज भी हम देखेंगे और आप लोगों को भी हम कन्विंस करेंगे कि प्लीज डोंट मिस इट, मिस मत करिएगा। तो वही जहां तक आपको देखने के ये मिल रहा है कि जो लाइन अप से प्रेडिक्शन लाइन अप, वही क्रिस्टियानो रोनाल्डो डेविड डी गुए राफेल भारने पॉल पोगबा हैरी मैगियोर ब्रूनो फर्नांडेस राशफोर्ड मैक्टोमिनोए जारन सैंचो डियागो डालॉट, और वही एथलेटिको मैड्रिड के और से गोलकीपर ओवालक और वर्सल्स को साविक कोंडोगबिया फिलिपी हेरारे कोरिया एलोरेंटे लोडी रेनिल्डो जाओ फेलिक्स, जो पोर्चुगेज यंग स्टार स्ट्राइकर है, 120 मिलियन में एटलेटिको मैड्रिड ने खरीदा था। तो आप लोग बताइए आप लोग का क्या राय है, कौन जीतेगा, एटलेटिको मैड्रिड जीतेगा या मैनचेस्टर यूनाइटेड या आयक्स जीतेगा या बेनफिका। आयक्स अभी चैंपियंस लीग का दावेदार माने जा रहा है, तो उसका भी जो जितना जो हैलर है जो स्ट्राइकर बहुत फॉर्म में है, बढ़िया एकदम जबरदस्त गोल दाग रहा है, तो अभी चैंपियंस लीग के सबसे ज़्यादा गोल दागने में उसी का नाम है, नंबर वन पे है, तो वही और बेनफिका थोड़ा कमज़ोर माना जा रहा है, पर जो इन लोग का पहला जो पास्ट वाला मैच देखते हैं तो नेक टू नेक मैच है, क्योंकि लुइस सुआरेज जो है कि पुराना खिलाड़ी है, एकदम एक्सपीरियंस है, उसको कैसे गोल करना है उसको सब पता है। तो दूसरी ओर से और क्रिस्टियानो रोनाल्डो आप जानते ही हैं, मिस्टर चैंपियंस लीग का नाम दिया है, तो चैंपियंस लीग में हमेशा उसका प्रदर्शन जबरदस्त रहा है, आज भी हम वही देखने को मिल सकता है, आई होप कि देखते हैं क्या होगा मैच, तो अब अभी तो टाइम बाकी है और 3-4 घंटा बाकी है,
तब तक आप तो बने रहिए। आप लोग को, आप लोगों का क्या राय है? ज़्यादातर फॉर्मेशन जो राफा रंगिक मैनचेस्टर यूनाइटेड का कोच है वो हमेशा 4-2-3-1 का ही फॉर्मेशन से मैच स्टार्ट करता है। एक अट्रैकिंग ही माना जाता है ये फॉर्मेशन को, क्योंकि 4 डिफेंड है, 2 जो मिडफील्डर है 4-2 में, वो डिफेंड भी दिखेगा, वो फॉरवर्डिंग भी दिखेगा, बाकी जो 3 है वो 3 भी अटैकिंग भूमिका भी निभाएगा और एक स्ट्राइकर। हमेशा हम देखने को मिलता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड गौर से 4-2-3-1 का फॉर्मेशन से ही मैच स्टार्ट करता है। और वही आपको बता दें कि जो एटलेटिको मैड्रिड का 4-4-2 का फॉर्मेशन से वो हमेशा मैच स्टार्ट करता है। 4-4-2, 4 डिफेंडर, 4 मिडफील्डर और 2 स्ट्राइकर लेकर वो हमेशा खेलता है। ये भी अच्छा ही है। एक देखते हैं आप किसका फॉर्मेशन सही रहेगा, जिसका फॉर्मेशन सही रहता है वही हमेशा जीतेगा ही। तो देखने लायक प्लेयर टू वॉच आउट तो वही एक एटलेटिको मैड्रिड का और से जाओ फेलिक्स, नया यंग स्टार है पोर्चुगीज, तो वही उसमें आपका एंटोनियो ग्रेजुमैन है, तो लुइस सुआरेस तो है ही, तो उसी तरह आपका जो कोरिया है वो बहुत फॉर्म में है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का और से आपको अगर बता दे तो फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो ऑलरेडी है ही, एडिसन कवानी अभी चोटिल है, तो पॉल पोगबा जो क्रिएटिव मिडफील्डर, ब्रूनो फर्नांडिस जबरदस्त है, तो अभी नया लड़का है एलंगाना है, शायद उसको भी मिल सकता है जो फॉरवर्डिंग खेलता है, उसको भी चांस मिल सकता है, पिछले मैच में वो गोल करके जिताया था। और देखते हैं रैशफोर्ड का इस बार चांस मिलेगा कि नहीं, प्रेडिक्शन में प्रोबेबली लाइन में अपने तो है जो जैडन सैंचो, वो भी जबरदस्त कर रहे हैं, बढ़िया प्लेयर है, डॉर्टमुंड से खरीदा था 80 मिलियन में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फिलहाल ही। तो अभी प्लेयर सब देखते हैं तो बढ़िया है सब, मैच भी हमको जहाँ तक लगता है कि जबरदस्त मैच होने वाला है, बड़ी बहुत बड़ी मैच है, तो उम्मीद करता है कि मज़ा आएगा देखने में भी मैच। तो यही था आज के लिए प्रेडिक्शन, तो फिर कल आएंगे इसका हाईलाइट लेके आप लोग के सामने, तो देखेंगे कि तो आज के सामने रात में फिर आपका प्रीमियर लीग का भी कुछ मैच है आज रात ही, बार्नली वर्सेस टोटनहम, दूसरा मैच 12:30 बजे भी ही है, राउंड 18 का है, ये पोस्टपोन मैच ही था, वाटफोर्ड वर्सेस क्रिस्टल पैलेस, और राउंड 19 वाला मैच है 12:45 बजे के आसपास, लिवरपूल वर्सेस लीड्स यूनाइटेड, ये भी देखने वाला मैच ही है। तो आप लोग कौन देखना पसंद करेंगे, चैंपियंस लीग या प्रीमियर लीग? दोनों मैच बढ़िया रहता है, पर चैंपियंस लीग ही भूलिएगा मत, देखना मत भूलिएगा, सपोर्ट करिएगा, देखिएगा वीडियो, मैच देखना मत भूलिएगा। अगर खैर कोई कारणवश अगर आप लोग भूल भी जाए तो हम है ही आप लोग के सामने फिर लेके आएंगे पूरा हाईलाइट, तो देखते रहिए चैंपियंस लीग एटलेटिको मैड्रिड, डियागो सिमियोने, सुआरेज, मैनचेस्टर यूनाइटेड रेड डेविड CR7, प्लीज वॉच इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच।